दोस्तों जय हिंद। आप एक सामने स्क्रीन देख रहे हैं आज, इसके माध्यम से मैं डेटा वैलिडेशन आपको पूरा बताऊंगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, सारे ऑप्शंस को मैं क्लियर करूंगा आज। तो आपका वीडियो आज जो शुरू से लेकर अंत तक देखने लायक है, आप इसको देखिए। और डेटा वैलिडेशन आप देख रहे हैं, ये सामने डेटा टैब में है, और इसमें आप देखिए ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये मैं सब बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूंगा, कुछ इसमें बचेगा नहीं। और वैलिडेशन में देख रहे हैं ऊपर भी तीन चीज़ें दी गई हैं, इन सब के बारे में भी मैं बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करता हूं। पहला ऑप्शन मैं इसमें लेता हूं डेटा वैलिडेशन, ये जो लिया हुआ है। होता क्या है डेटा वैलिडेशन कि अगर मुझे किसी सेल रेंज पर, जैसे इतने सेल रेंज पर मैंने एक सीट लिया है जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं, ये करता क्या है कि इसमें अभी हम कोई डेटा अगर डालेंगे, मान लिया मैंने डाला इसमें हिंदी में इसके मार्क्स को मैंने डाला 58 ले लिया, लेकिन वहीं मैं इंग्लिश में अगर डाल रहा हूँ 125 तो भी ले रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है क्योंकि किसी भी विषय में किसी भी सब्जेक्ट में 100 से ऊपर मार्क्स नहीं हो सकते। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उतने एरिया को सेलेक्ट करके ऐसे जितने पे हमको चाहिए होता है, जहाँ तक 20-30 जहाँ तक चाहिए होता है वहाँ तक करने के लिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके सीधे वैलिडेशन पर आएंगे। ये देखिए डेटा वैलिडेशन है ये यहाँ पर। अब इसमें क्या है, सेटिंग आ रहा है, सेटिंग आप देख पा रहे होंगे, सेटिंग में क्या करना है, एनी वैल्यू लिखा है, तो एनी वैल्यू का मतलब हो गया कि कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, नंबर हो टेक्स्ट हो कुछ भी हो ले लेगा, ये अलाउ कर रहा है, अलाउ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे आप। लेकिन अभी हमको करना क्या, पहला ऑप्शन लेते हैं, हम सारे ऑप्शन बताएंगे नीचे तक, होल नंबर लेते हैं। होल नंबर का काम क्या है, होल नंबर लिया मैंने तो इसमें ये पूछता है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इस तरीके से। अभी मैं बिटवीन लेके आपको बता रहा हूँ, नेट बिटवीन में क्या होगा कि जीरो से लेकर के और 100 तक इसके बीच में मार्क्स इसको लेना है, यहां से यहां तक, इससे ऊपर नहीं लेना है। इनपुट मैसेज क्या करेगा, इनपुट मैसेज जब उस सेल रेंज में आप जाएंगे तो ये दिखाता रहेगा कि क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूं करके देखिए कैसे। मैंने यहां पे कुछ भी लिख दिया, मैं यहां पे लिख दिया अपना नाम, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, और यहां पर मैंने लिख दिया इंटर 0 to 100, ये इसका मैसेज आता रहेगा। अब इसके बाद आप देख लीजिए, ये जैसे आप क्लिक करेंगे ये मैसेज चल रहा है साथ साथ में, देख रहे हैं कि आपको करना क्या है। लेकिन अभी इसमें हमने वैलिडेशन नहीं लगाया, रोका नहीं इसको, केवल मैसेज डिस्प्ले कराया है जिससे पता लगता रहे करना क्या है। रूपक श्रीवास्तव हेडिंग आ रहा है जो मैंने वहाँ डाला था, और इंटर 0 to 100 करके दे रहा है। अभी मैं एक बार फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं वैलिडेशन में जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब एक मैं एरर मैसेज देता हूँ यहाँ पे कि ऐसा करता है अगर कोई तो एरर मैसेज क्या है, रॉन्ग एंट्री कोई करता है तो क्या करे, सॉरी ओनली 0 to 100 अलाउड, ओके। अब देखिए ये आप क्लिक कर रहे हैं मैसेज तो दे रहा है, लेकिन अगर आप इंटर मारते हैं इसमें, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे हिंदी में डाला 45 78, लेकिन जैसे आप गलती से 144 के जगह 144 हो गया, और इंटर जैसे मारेंगे आपको मैसेज देगा सॉरी ओनली 0 to 100 अलाउड, 0 से लेकर 100 तक ही इसका अलाउ किया गया है। तो इस तरीके से इतने क्षेत्र पर आप ये चीज़ कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं कि आपकी गलत एंट्री से बच जाएगी, कोई गलत एंट्री इसमें नहीं होगी। ये आपका होता है वैलिडेशन। अभी इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप अंदर जब इसमें आएंगे, ये मैं एरिया फिर से सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में ये चीज़ यहाँ तक, और इसमें आप देख रहे हैं फिर सेटिंग में इधर है बिटवीन, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लगाना हो कि क्या, नॉट इक्वल टू 0 और 100, यानी 0 और 100 के बराबर ना हो तो मैसेज आ जाए यहाँ से। इस तरीके से कंडीशन आप समझ गए होंगे, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, अगर इक्वल टू कर दिया तो इक्वल टू कर दिया हमने, जैसे मान लिया इक्वल टू कर दिया हमने 100, तो 100 के इक्वल होगा तभी ये काम करेगा। तो इस तरीके से अभी नॉट इक्वल टू 100 के इक्वल नहीं होगा तब ये काम करेगा। तो यहाँ से आप अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को ले सकते हैं, लेस देन भी ले सकते हैं कि लेस देन 100, यानी 100 से कम होगा तभी वो काम करेगा, तभी ये एरर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें सेटिंग में, होल नंबर के बाद हम लेते हैं डेसिमल नंबर। चलिए एक बार मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें जा करके मैं यहाँ से क्लियर कर दिया, अभी आपका क्लियर हो गया सारा कुछ। अब इसमें क्या होगा, इतने एरिया में मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ,
दोबारा दूसरा वाला ऑप्शन बताने के लिए, जैसे डेसिमल नंबर, अब इसमें डेसिमल नंबर हमने कर दिया, तो डेसिमल नंबर मान लिया मैंने कर दिया 0.5 से लेकर के और 1.5 तक, तो अब ये 1.5 तक ही लेगा और एरर मैसेज यहाँ पे जो चाहें वो दे सकते हैं। मैसेज मैंने दे दिया डेसिमल नंबर 0.5 टू 1.5 अलाउड, ओके। अब इसमें क्या है ना, इसमें जो डेसिमल नंबर आएगा बड़े नंबर आप डालेंगे लेगा, ओ सॉरी 0.5 से लेकर के बड़े नंबर डालेंगे तो वो नहीं लेगा, 1.5 से ऊपर जाएंगे तो एरर देगा। देखिए 0.5 डाला आपने ले लिया, 1.5 डाला तो भी ले लिया, जैसे 1.9 करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इसका जो पैरामीटर मैंने सेट किया है वो 0.5 से लेकर के 1.5 तक किया है। तो किसी भी एरिया में अगर आप डेसिमल नंबर का क्राइटेरिया सेट करते हैं तो डेसिमल नंबर का क्राइटेरिया आप इस तरीके से यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ इसमें आपको, डेसिमल नंबर के बाद आप इस पर देखिए सेटिंग में लिस्ट आता है। अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट पे मैं बात करता हूँ, तो पहले मैं बात कर ले रहा हूँ डेट टाइम इन पे, फिर लिस्ट पे मैं लास्ट में बात करूँगा। डेट टाइम क्या होता है, अगर किसी क्षेत्र में मान लिया आप चाहते हैं यहाँ पर कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैंने ले लिया डेट ऑफ बर्थ, ये आप बता रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो जाए वो देखिए, यहाँ से मैंने अलाउ किया डेट को और बिटवीन ले लिया, बिटवीन लेस देन वही सिस्टम चलेगा, लेस देन की 2010 से पहले का तो लेस देन ले लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे तो ऊपर का ले लेगा। अभी मैं स्टार्ट किया कि 1/1/2000 से लेकर के 1/1/2005 तक ही अलाउड है, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने डाला किसी का 1/1/2003 डाल दिया, ले लिया, लेकिन जैसे 2005 से ऊपर जाऊंगा तो ये रिजेक्ट कर देगा, 1/1/2006 ये देखिए एरर आ गया। तो इस तरीके से आप डेट का भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर बर्थ टाइम इसी में दिया है, बर्थ टाइम हमको इतना ही लेना है उससे ऊपर नहीं लेना है, या एंट्री टाइम लेना है, हो सकता है किसी कंपनी में आप हो एंट्री टाइम आपको लेना हो तो एंट्री टाइम भी आप कर सकते हैं। यहाँ से वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे टाइम, टाइम लेकर के वही बिटवीन कि जो भी एंट्री होगी वो 10 बजे से लेकर के और ये हमारा 11 बजे तक ही एंट्री होगा, इसके ऊपर जाएगा तो वो एरर में से दे देगा, यहाँ से एरर में से दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर एक मैसेज आ गया सॉरी Not allowed। अब देखिए यहाँ पे 10 मैं दे रहा हूँ, लेकिन यही मैं 12 दूंगा, ये एरर आ जाएगा नॉट अलाउड, क्योंकि एंट्री का टाइम जो दिया गया 10 से 11 के बीच में दिया, अभी आप 10:55 डालेंगे तो ले लेगा, ये देखिए ले लिया, तो 10:55 यानी 11 बजे तक ये लेगा, 11 डालेंगे ले लिया, लेकिन जैसे 11:05 लेंगे तो ये एरर कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को भी रोक सकते हैं वैलिडेट करके, ये वैलिडेशन हो गया डेट का और ये टाइम का हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, आप आगे देखिए वैलिडेशन में, फिर आपका सेटिंग आता है डेसिमल के बाद डेट हो गया, टाइम हो गया, टेक्स्ट लेंथ हो गया और कस्टम हो गया, दो चीज़ हो गया। तो अब इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट लेंथ पे, हम चाहते हैं कि इस वाले नाम में, ये जो नाम वाला एरिया है इसमें सेलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ, चलिए मैं डिलीट मार दिया यहाँ से, सेलेक्ट करके मैं कह रहा हूँ इसमें कि जो डेटा वैलिडेशन लगाना है वो टेक्स्ट पे लगाना है, टेक्स्ट लेंथ पे लगाना है, और मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट लेंथ जो हो एक करेक्टर से ले करके और 10 करेक्टर तक ही हो, उससे ऊपर ना हो, और मैसेज यहाँ पर आ जाए जो आना है। यहाँ पर मैंने मैसेज फिर से दे दिया, सारा कुछ आज मैं इसमें कवर कर दूंगा, सॉरी टेक्स्ट नॉट अलाउड। अब यहां पे मैंने लिखा जैसे अमित ले लिया, लेकिन मैंने लिखा अमित कुमार सिंह, देखिए 10 से ऊपर हो गया तो इसने मना कर दिया।
तो ये कब किया जाता है कि जब किसी भी कॉलम में या किसी भी सेल में हम एक पर्टिकुलर लेंथ की टेक्स्ट को डालना चाहते हैं कि 5 करेक्टर आए, 6 करेक्टर आए, 10 करेक्टर आए, जो भी इस तरीके से आपको रोक लगाना होगा तो आप टेक्स्ट वाले के हिसाब से रोक लगाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया है। सेलेक्ट करके आपको करना क्या है, सिंपल जितने में जाना है डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आपको ये करना है सेटिंग और ये टेक्स्ट लेंथ कर लेना है। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको लिस्ट और कस्टम बताते हैं लास्ट में। कस्टम बहुत अच्छा चीज़ है। अब इसमें जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ, ये हटा मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, मान लो आपको लेना है मंथ, और मंथ में यहाँ पे आपको करना है कि आपको लिखना ना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार लिस्ट आप बना लें, तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, सिंपल डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेना है लिस्ट लेना है, और लिस्ट के बाद इसमें आपको क्या कर देना, लिख देना है जनवरी, कॉमा फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से आपको जितना चाहिए आप लिख सकते हैं। देखिए ओके करता हूँ मैं, अब यहाँ देखिए ये आ गया इस तरीके से, ये आ गया। अब इसी को आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, सब में आ जाएगा, तो अब जिस पे जाएंगे सब में आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने 4 ही महीना लिखा था तो 4 ही आ गया। यहाँ पर फरवरी आप ले लीजिए, यहाँ पर आप मार्च ले लीजिए, इस तरीके से। या आप किसी और एक सीट पर अगर चाहें तो इसको पूरा बना के जनवरी, और फरवरी, ये दोनों मिला के आप ड्रैग कर दीजिए, आपका पूरा 12 महीने तैयार हो जाएगा इसमें ये। और फिर आप क्या करें, आप जहाँ पर आपको लिस्ट चाहिए आप वहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि ये मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ से, डेटा वैलिडेशन मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, ओके। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट ले लीजिए, आपको 2 तरीके मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से लिस्ट लीजिए और इस सोर्स को क्लिक करके आप चले जाइए जिस सीट पे आपने सब कुछ लिखा था, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए आप, और ओके करके आप यहाँ से ओके कर दिए तो आपका देखिए 12 के 12 महीने इसमें आ जाएंगे, ये देख रहे हैं। इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपने एक ही सेल पर लगाया है, इसको आपको सब पर ड्रैग करना पड़ेगा। अब ये सब में आएगा, देखिए ये आप लिस्ट बहुत अच्छा काम करता है, इस तरीके से आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो आप लिखकर भी कर सकते हैं, और कहीं पर आपका अगर ये लिखा हुआ है, डेटाबेस आपने बना के रखा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दोनों जगह से आप लिस्ट पे काम कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें एक लास्ट जो है, आप देख रहे होंगे लास्ट इसमें आपका है कस्टम। मैं अभी तक मैं सब बता चुका आपको, जितना था होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, और अब कस्टम पे बताने जा रहा हूँ। देखिए कस्टम क्या करता है, कस्टम में जैसे मैं ये सेल रेंज आपको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, चलिए मैं ये ले रहा हूँ, और इसके बाद मैं कस्टम कर रहा हूँ। कस्टम में क्या होगा कि हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, कैसे देंगे, यहाँ से कस्टम करेंगे, और कस्टम करने के बाद यहाँ पर दे देंगे कि जो हमारा सेल रेंज है, एक सेल रेंज ले लेंगे B3 ऊपर वाला पहला ले लेंगे ये वाला, तो हम ले लेंगे इक्वल B3 इज ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है, ओके। तो अब ये हमने कर दिया, तो अब देखिए जब आप इसको क्लिक करते हैं सर्कल वाला, तो ये सर्कल कर देगा जहाँ जहाँ पे ये सर्कल इसलिए भी कर दिया है क्योंकि इस टेक्स्ट पे आएगा। अभी टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये नहीं करेगा, लेकिन अभी यहाँ से ये ऐसा हुआ है, नंबर देखिए जहाँ जहाँ पर आपका ये 33 से कम है, 33 से कम है, वहाँ वहाँ इसने सर्कल कर दिया, 33 से जो जो कम है इसको इसने कर दिया। अब यहाँ पे इसको अगर हटाना हो तो आप यहाँ से करेंगे क्लियर वैलिडेशन सर्कल, ये हट गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके कस्टम वाले पे कर सकते हैं। तो कस्टम वाला सबसे लास्ट में मैंने बताया था, और इस वैलिडेशन ट्रिक को अगर आप कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके काम में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि वैलिडेशन ट्रिक जो होता है ना, ये काम को आसान बनाता है कि आपके इनवैलिड डेटा को एंटर करने से रोक देता है। तो आप इसको देख लिए होंगे वैलिडेशन कैसा रहा आपका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।